ये हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी सी वाइटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। खुश रहें, सदा आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं आप सब के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं से ठीक ठाक हूँ एंड फिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। और नए व्लॉग में क्या होने जा रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। पहले जो चीज़ बनने जा रही है उसके साथ साथ आप इंग्रीडियंट्स भी देखते जाएँ तो वो तो मेरे ख्याल में ये छोटी सी कहानी सभी ने सुनी होगी, चिड़ी और चिड़ा वाली। एक थी चिड़िया, एक था चिड़ा। चिड़ा लाया दाल का दाना, चिड़िया लाई चावल का दाना और बनाई खिचड़ी, ताकि खैर आगे उनकी जो भी लॉजिक थी। तो यहाँ जो है तो मेरे इस आज के व्लॉग में क्या लॉजिक है हमारी, ये मैं अब आपको बताती हूँ। एक बहन लाई मैदे का कप, एक बहन लाई ऑयल का कप। भैया लाए सूजी का दाना, आपी लाएँ चीनी का दाना और बनाए हलवा पूड़ी, ताकि सब बहन भाई मिल के बैठें और हो जाए गपशप, एक खुशगवार शाम एक साथ गुजारने के लिए। जी तो मेरी छोटी सी कहानी से आपको मेरे आज के व्लॉग का कुछ ना कुछ तो मेन पॉइंट समझ आ ही गया होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे बन रही है जनाब हलवा पूरी, हलवा पूरी बनने की तैयारी हो रही है और हम सब बहन भाइयों ने बुझा। आज के इस जो है तो मसरूफियत के दौर में ना एक दूसरे के लिए टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब बहन भाई किसी एक बहन या भाई के घर में इकट्ठे हो जाते हैं और सर्दी की एक शाम को करते हैं इन्जॉय। सो हम सब ने मिल के फैसला किया कि हमारी एंसेस्टर का घर रोड के ऊपर है, चूँकि ये मेरे खाला का घर भी है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से जो भी चीज़ें मंगवानी होगी आसानी से, रोड पे हर दुकान होती है तो अवेलेबल होती है आसानी से चीज़ें। सो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए और मिल के चीज़ें मंगाई, ताकि किसी एक पे बोझ भी ना पड़े, क्योंकि महंगाई का दौर है। तो हमने सोचा कि सब मिल बाँट के कुछ बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं एक अच्छी सी खुशगवार शाम को। तो खूब ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल भी थे, तो हम सब बहन भाई यहाँ पे इकट्ठे हो गए और तैयारी की हलवा पूरी की। तो मेरी सिस्टर जो है तो बहुत अच्छी हलवा पूरी बनाती हैं, तो पहले उन्होंने जो है तो पूरियाँ बनाने के लिए आटा वगैरह गूंद के तो पेड़े बना के रख दिए हैं और अब वो बना रही हैं हलवा। तो यहाँ पे जो है ना साथ साथ हलवा पकते जा रहे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं साथ साथ अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे भी बात कर जाऊँ। तो मेरी वीडियो को जो होता है सेकंड पार्ट अपनी मादरी ज़बान का एक लफ्ज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने जो लफ्ज़ शेयर किया था वो था टिल। तो टिल किसको कहते हैं, उर्दू में देर, इंग्लिश में लेट, उसको हमारी ज़बान में टिल भी कहते हैं। क्या है, कितनी टिल हो गई, अलग तक कम हो ही नहीं, कितनी देर हो गई है। जी तो ये तो हो गया पिछली वीडियो का लफ्ज़, और आज का नया लफ्ज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ। यहाँ पे हो गया है तकरीबन हमारा हलवा तैयार और अब जो है तो इतना काम हुआ है किचन में, अब चलते हैं सब जो है इशा की नमाज़ पढ़ के। मर्द हजरात भी आ चुके हैं तो सब ने कहा कि कमरे में आए, यहीं पे इकट्ठे होकर एक साथ काम करते हैं, साथ में होगी गपशप भी और साथ में हलवा तो खैर बन गया, पूरियाँ बनेंगी और फिर खाएँगे सब, इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे अब कढ़ाई में तेल डाला जा रहा है, कमरे में ला के चूल्हा रख दी, यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए हैं बच्चे बड़े सब। तो मैंने पिछली वीडियो के लफ्ज़ का माने तो आप सबको बता दिया, तो अब हो जाए एक नया लफ्ज़ भी जिसका माने मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि नया लफ्ज़ है आज का तरकड़ी। जी तो तरकड़ी किसको बोलते हैं, इसे बात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जी हमारी पूरियाँ जो है तो बड़े मज़े से तैयारी के मराहल में हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी इसमें तो हम उर्दू में बोलते हैं इसको हलवा पूरी, तो हमारी ज़बान में इसको बोलते हैं लुच्ची हलवा। जी इसको हम लुच्चियाँ बोलते हैं, लुच्ची हलवा। तो यहाँ पे बड़े मज़े से जो है तो मेरी सिस्टर बनाती जा रही हैं। ये हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, रोला ही रोला, सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे भाई ले आए थे चॉकलेट का एक पैकेट, तो कहते हैं सब बच्चे भी हैं तो चलो सब मिल के तो सो पहले जितना कि हलवा पूरी तैयार है चॉकलेट खाएं। तो वो जो है तो चॉकलेट पे खूब हल्ला गुल्ला हुआ, तो सबकी कोशिश थी कि मुझे ज़्यादा मिले और इस तरह से जो है तो
लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ और रोले करके सबने चॉकलेट्स खाई, बहुत मज़ा आया, मेरे एंजॉय किया। यहाँ पे हलवा पूरी भी हो गई तकरीबन तैयार, और अब सब सबको सर्व की जा रही है और सब खा रहे हैं, बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर कैसा लगा आज को आपको, आप सबको मेरा आज का व्लॉग और ये आइडिया? तो मैं कहती, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में कोई खुशी आए तो उसे ही सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि खुशियाँ कशीद करनी चाहिए। आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में और मसरूफियत के आलम में जो है, तो इस तरह के मौाक़े कम ही मिलते हैं। सो अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए, इस तरह की छोटी मोटी पार्टीज अटेंड करनी चाहिए। सो मेरा आज का आइडिया अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएँ, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब भी करते जाएँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी दिलचस्प आइडिया के साथ और दिलचस्प लफ्ज़ के साथ। मज़ेदार खाइए, हलवा पूरी खाइए, मज़े किए। क्या है लबी? मासी आई है। मासी।